प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी ग्रामों में सीसी रोड का निर्माण एवं डामलीकरण रोड का निर्माण किया गया है, किंतु मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत 10 वर्ष से रोड की अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी इस गांव में रोड का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा भैया, आपके गांव से कच्चा कितना किलोमीटर है? करीब ऐसा ही है, 3 किलोमीटर। हमारे यहाँ रोड नहीं होने के कारण परेशानी यही है कि देखो ये जो बीमार वाले मरीज हैं तो बैलगाड़ी से ले जाने की परेशानी। तो मैं स्कूल जाता हूँ तो हर दिन अप डाउन करता हूँ। अरे हमको रोड पे समस्या, इसमें बरसात पे बरसात लग जाती है तो रिंगने की दिक्कत होती है रोड नहीं होने के कारण, और नदी नाला भरा जाते हैं। और दूसरा बात है, बाज़ार हम 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं सेरडान से बैठ कर। अच्छा भैया, आपके गांव से तामिया कितने किलोमीटर दूर है? हमारे गांव से तामिया 30 किलोमीटर है। आप कैसे आना जाना करते हैं? हम साइकिल से करते हैं। अप डाउन करने में क्या समस्या हो रही है? हम कच्ची सड़क होने के कारण यहाँ पर साइकिल नहीं चल पाते ढंग से, सेरडान तक बहुत दिक्कत पड़ता है। अच्छा, रोड की सुनाई के लिए आप कहाँ कहाँ बात किए हैं? सरपंच से किए, सचिव से किए, जनपद से किए, कोई सुनाई नहीं हो रहा। 10 साल से सब सियाने बुजुर्ग परेशान हो रहा है, लेकिन रोड का सेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे एक बार राजू प्रतिथि आए तो उनने देखे इतनी खराब रोड है, तो हमने उनसे बोले कि भैया ये रोड के लिए आपको कछु करना होगा। तो उनने हमें बताया कि आप सहमति होके हमसे मिलो और हम वीडियो बना कर ले जाएंगे। तो उनने वीडियो बना कर ले गए और सहमति सरपंच साहब सचिव सब थे और गांव के सभी वीडियो बना के ले गए उनने। उसके बाद ये शिशु रोड का कार्यक्रम प्रारंभ हो। इस गांव में सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह पे सीसी रोड का निर्माण हुआ, 113 मीटर, जो कि इसी रोड से 3 से 4 गांव के लोग भी इसी रोड से गुजरते हैं, और आज इस गांव के लोगों को रोड की समस्या दूर हुई और रात बिरात अब चल सकते हैं। इस रोड पे चल रहे थे, किस टाइप का महसूस होता है? हमको महसूस होता है कि रोड बनने से हमारी बहुत परेशानी हट गई। मैं राजू पतेती, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, इंडिया अनहर्ट के लिए।